जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिली तो फिर मैंने ये अपना पेशा अख्तियार किया। मेहनत कर रहा हूँ, ये शर्त है कि मेहनत मैंने की, काफ़ी मेहनत अभी तक कर रहा हूँ। मेरा नसीब में ये लिखा था मैं ये कर रहा हूँ। आना जाना भी बस के जरिए होता है, मैं सुबह बस पे आता हूँ। वीडियो आगे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुझे थकने नहीं देता जरूरतों का पहाड़, मेरे बच्चे मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। शायर के इन अल्फाज की अमली तस्वीर बना एक मुअम्मर शख्स, गुज़िश्ता कई दिहाई से सरेराह मेहनत और मुशक्कत में मसरूफ अपने अहल वयाल की किफालत कर रहा है। मेरी तालीम कराची से है और मैंने मैट्रिक किया है वो PF बॉयज सेकेंडरी स्कूल देख। उसके बाद मैंने अपना इंटर किया प्राइवेटली 1983 के बाद, आगे पढ़कर मैंने प्राइवेटली BA किया है। उसके बाद मैंने बीच में कोर्स किया है अपना PACC का, पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर, वो मैंने किया। बस तालीम भी मेरी की है, उसके बाद मेरी मेहनत भी करती रही है और अल्लाह का शुक्र है के हलाल इसके हलाल बना रहा। मैंने बड़ी कोशिश की तालीम की जॉब के लिए, लेकिन जॉब नहीं मिली तो फिर मैंने ये अपना पेशा अख्तियार किया टाइपिंग का, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने मुझे मैट्रिक के बाद ही ये सिखा दी थी 1981 के अंदर। उसके बाद मैंने फिर अपना अपना तौर पर ये अपना काम किया। उम्र के इस हिस्से में भी मेहनत करता ये बुजुर्ग एक जानिब मुअम्मर अफराद के लिए हुकूमती दावों की कलई खोलता और हमारे मुआशरती रवैयों से पर्दा उठाता है, तो दूसरी जानिब रिस्क हलाल के मुतलाशी अफराद के लिए भी एक मिसाल है जो किसी पर बोझ बनने की बजाय मेहनत पर इक्तिफा किए हुए है। और मेरा आना जाना भी बस के जरिए होता है, मैं सुबह बस पे आता हूँ, मैं रेगोड से आता हूँ और उसके बाद यहाँ बैठता हूँ तकरीबन 5-6 घंटे, 4:30 तक बैठकर, और शाम को फिर बस के जरिए यहाँ से पैदल जाता हूँ लक्की स्टार, वहाँ से बैठता हूँ बस में। तो बच्चे मेरे जो हैं माशाल्लाह 4 हैं, उसमें 2 मेरी बेटियाँ हैं और 2 मेरे बेटे हैं। बेटियों की मैंने शादी कर दी है अल्लाह की मेहरबानी से, और बेटे मेरे अभी पढ़ रहे हैं। मेरे 5 भाई गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन मेरा नसीब में ये लिखा था मैं ये कर रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी है, और मैं मेहनत कर रहा हूँ। ये शर्त है कि मेहनत मैंने की, काफ़ी मेहनत अभी तक कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे और हिम्मत देगा। जाते जाते एक इस्तेदा कि अपने इर्द गिर्द मौजूद बुजुर्गों का एहतराम और छोटों से शफकत का मुजाहरा करें कि ये 2 अवामिल खूबसूरत माशरों की तश्कील में अहम किरदार अदा करते हैं।